क्या बात है यार, बहुत दिन बाद चाय पीने का मन भी किया तो यार दोनों मेरे दोस्त नहीं नजर आ रहे हैं। पता नहीं कहाँ बिजी रहते हैं यार। इतने दिनों से मैं इंतजार कर रहा था, मौका निकाल के आया भी, ये दोनों मेरे दोस्त पता नहीं कहाँ बिजी रहती हैं। अच्छा लाओ फोन करता हूँ, देखिए कहाँ है सब। हेलो, कहाँ यार, कहाँ बिजी रहते हो? जब तुमको यार मैं कहा था ना चाय वाली दुकान पे आओ, बैठते हैं, बात करते हैं, किसी तरह से मौका निकला है यार। कहाँ बिजी यार, आओ जल्दी से आओ, और मितवा भी लेके आना साथ में, आओ जल्दी आओ। हेलो, हाउ आर यू, कैसे हो दोस्त? थोड़ा सा देर हो गई यार, सॉरी यार, मैं कोशिश करता हूँ टाइम पे आने के लिए, यार देर हो जाता है, क्या करें यार, इतना लोचा है जिंदगी में, क्या करें। चलो ठीक है, आगे सुनाओ क्या हालचाल है। बढ़िया यार, क्या बताया यार, तू तो आ गया है, देखो कहाँ रह गया यार, उसको भी फोन करो जल्दी यार। फोन किया था यार, आ रहा है, वो भी बहुत जल्दी आ जाएगा, मैं लगता है पीछे ही होगा। आगे क्या यार, अरे यार तुम्हारी एंट्री बड़ी गजब होती है। आगे चलो ठीक है, अच्छी बात, कहाँ बिजी थे यार तुम? यार जब देखो तो बिजी रहते हो, क्या कर रहे हो आजकल? इतना देर से क्यों आए हो? अरे यार नहीं जान रहे हो, बड़ी भीड़ लगी हुई थी यार, निकलना मुश्किल था, और इधर से ठंडी जबरदस्त है, देख नहीं रहे हो कड़ाके की ठंड पड़ रही है। लेकिन यार गजब की बात है, इस कड़ाके की ठंड में दुनिया ठिठुर ठिठुर के परेशान है, और हमारे कुछ लोग ऐसे हैं जिनको ठंडी से डर ही नहीं लग रहा, पता नहीं क्या फूंकते रहते यार, गजब की तमाशा यार। हाँ यार, आते आते शुरू हो गए यार, बकिया बेना शुरू कर देते हो। चलो और बताओ क्या हाल चाल है, कैसे हैं सब लोग, बढ़िया? चलो यार, तुम कहे हो तो एक बात याद आई यार, मैं स्पीच सुन रहा था वही टी शर्ट वाले बाबा जी का, तो बोल रहे थे कि हमारे देश की आर्थिक हालात बड़ी खराब है, और हमारे देश में जो जनसंख्या है कुल 140 करोड़ रुपए है। यार ये पब्लिक की संख्या रुपये में कैसे बदल गई यार, कुछ समझ में नहीं आ रहा था मेरे को। मोहब्बत की दुकान खोलने जा रहा हूँ, आज तक क्या कह रहे थे, थाईलैंड में जाकर और इटली में जाके वहाँ क्या पंचूर है, पंचूर की दुकान चला रहे थे क्या, कि पंसारी की? एकदम सही पकड़े हुए थे, गजब गजब की बात तुमने फेंकी है यार। कि मतलब इतने सालों से जा जा करके परचून की दुकान चला दे, आज मोहब्बत की दुकान लगाने आए हैं। गजब गजब की बेइज्जती यार। आजकल के हमारे बाबा लोग समझते हैं कि यार हम ही ज्ञानी हैं, बाकी सब बेवकूफ हैं, इसलिए तो ऐसा लंबा लंबा फेंकते रहते हैं। इतना लंबा फेंकने का जरूरत थी यार? अभी तो देखे नहीं हो पाकिस्तान का हाल, नहीं देखे हो? भारत को चला था वो टक्कर देने के लिए, मिसाइल परीक्षण करने चला था, और उसकी मिसाइल या फुस हो गई या जाके गिर गई, उड़वे नहीं की यार, क्या गजब कॉमेडी है यार। क्या बात कर रहे यार, सही बात कर रहे क्या? वो तो पिछली ट्रायल में फेल हो गई थी यार, वही फुस हो गई थी, तो उसका अपडेट वर्जन था क्या? अरे यार हमें लगता है चाइना वाइना का कोई लाया होगा कबाड़ में खरीद के, उसी को पेंट पॉलिश करके सोचा है कि गरनी बदनी शाहीन पाइन नावरत दिया होगा, सोचा कि कुछ दूर उड़ जाएगी तो नाम हो जाएगा, एक तीर मार दिए, उसका तीर देखते हैं उसी को लग जाएगा दूसरी। अरे यार सही कह रहे हो, हम भी न्यूज में सुने रहे हैं, और उसके टीवी डिबेट में खूब चल रहा है वहाँ की, हम भी सुने हैं, लेकिन हमको उसके वो मिसाइल से एक चीज़ याद आ रहा है कि हमारे देश में कुछ नेता भी ऐसे यार मिसगाइडेड मिसाइल है, कुछ भी भका भक बोलते जाते हैं, समझ नहीं आता है तो कितना फेंकेंगे, और इतना फेंकते हैं कि लपेट भी नहीं पाते हैं यार। असल बात है दोस्त,
आजकल फेंकने की होड़ लगी हुई है कि जितना फेंक दो सलाद कुछ तो फंस जाएगा। यही बात है और कोई बात नहीं है। हमें जहाँ तक लगता है या तो लोग सोचते हैं कि पब्लिक चूतिया है, ना बिल्कुल ना समझ है, और दूसरी ये है कि फेंकने की होड़ है। फेंको फेंको, कुछ न कुछ तो फंसबे करेंगे। और सही भी है, कुछ लोग फंस भी जाते हैं, सब कुछ जानते हुए फंस जाते हैं। तो क्या करोगे, हमारे देश में तो चल ही रहा है मिसगाइडेड मिसाइल, सनासन सनासन छोड़ी जा रही हैं। आगे में सच्चाई जब आती है पता चलता है यार ये तो झूठी थी। तो तब तक लोगों को उनकी जो वाह 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 मिल जाता है। एकदम करेक्ट कहे हो भाई, एकदम करेक्ट कहे हो। आजकल फेंकने की होड़ लगी हुई है। अच्छा ये बताओ, भारत कहाँ से टूटा हुआ था, कैसे दिख रहा था? सभी स्टेट आपस में जुड़े हुए थे, संवैधानिक नियमानुसार सब कुछ चल रहा है, सरकारें चुनी जा रही हैं, चुनाव हो रहा है, सरकारें बन रही हैं, बिगड़ रही हैं, विकास कार्य चल रहा है, सब कुछ चल रहा है, तो फिर इसमें जोड़ने वाली बात कहाँ से आ गई? भाई जो टूटता उसी को जोड़ते हैं। अरे ये कहना चाहिए कि अरे हमारे वोटर बिखड़ गए थे इधर उधर, हम अपने वोटर को जोड़ रहे हैं, काहे को चुतिया बनाते हुए जनता यार, अपनी जोड़ो, अपनी जोड़ तोड़ बना रहे हो कि हमारी सरकार बन जाए, हमारे वोटर आ जाए, हमारी पब्लिक मेरे साथ हो जाए। पब्लिक ऐसे थोड़ी साथ में आ जाएगी झूठ बोलने से, हर जगह जाओ तो झूठे बोलो, आंकड़े का कुछ पता नहीं, बाथड़ का कुछ पता नहीं, खाली बस झूठा वार जो कह रहे ना मिसगाइडेड मिसाइल छोड़ते जाओ, छोड़ते जाओ, साले खुश हो जाए, पुत्र चल जाएंगे। सही कह रहे यार, हम एक देख रहे थे कि सामान्य और असामान्य व्यवहार का अध्ययन कर रहे हैं साइकोलॉजी में, अध्ययन है असामान्य व्यवहार। तो उसका जो डाटा देखे तो उसमें देखने को यही मिला कि जो सामान्य व्यवहार होता है, मतलब अगर 100 लोग हैं और 100 लोग जो है एक जैसा व्यवहार कर रहे हैं एक ही परिस्थिति में, उसी परिस्थिति में एक दो व्यक्ति ठीक उसके उल्टा व्यवहार कर रहे हैं, तो ये साबित होता है कि वो व्यक्ति सामान्य व्यक्ति नहीं, वो असामान्य है, यानी अब नॉर्मल है। तो क्या साबित करना चाहते हैं, जाड़ा हो, गर्मी हो, बरसात हो, ये तो एक मौसम है और एक टेम्परेचर बदलने के कारण ऐसी परिस्थितियाँ चेंज होती हैं, तो उसका असर तो मानव बॉडी पर पड़ते ही है। तो इसमें डरने और ना डरने वाली बात कहाँ से आ गई यार, मेरे समझ में नहीं आया। हाँ यार सही कह रहे हो, ये तो हम भी मतलब एक सामान्य सी बात है यार, जो सामान्य होता है उसमें जाड़ा हो, गर्मी हो, बरसात हो, सबका असर बॉडी पड़ती है और उसको एडजस्ट करने के लिए बॉडी तैयार भी होती है। बट ये है कि बहुत ज़्यादा होता तो एडजस्ट करने के लिए तो बाहरी सोर्सों का सहारा लें, जैसे जाड़ा कस के पड़ रही है तो जूता, मोजा, टोपी, स्वेटर, जीन्स पैंट, टोपी, मफलर, दस्ताना सब लगा लेते हैं और रजाई में छुप जाते हैं। लेकिन अगर बहुत बरसात होती है तो रेनकोट पहन लेते हैं, और बहुत ज़्यादा हवाएं चलती हैं तेज या लू चलती है तो लोग पानी पी के और शरीर को सफ़ेद कपड़े से ढक के जाते हैं। तो मतलब यह प्रकृति से लड़ने के लिए हम अपने आप को प्रिपेयर करते हैं। लेकिन अगर कोई आदमी कहे कि नहीं हमको डर नहीं लगता है, तो ये तो असामान्य व्यवहार ही लगता है हमें, इसमें ऐसा कुछ नहीं है। और इस तरह के लोग, दो ही तरह के लोग होते हैं, जैसा कि एक थिंकर ने बोला है कि अगर वो सामाजिक प्राणी नहीं है तो समाज के उनके ऊपर प्रभाव नहीं पड़ता है, और जो मौसम उसी तरह से जो प्राणी हैं उस पर अगर मौसम का प्रभाव नहीं पड़ता है तो या तो देवता हैं, भगवान हैं, या तो वो असुर हैं। एकदम सही पकड़े हो यार, सही कह रहे हो, ये तो अपने अपने समझ की बात है और कोई बात नहीं है। चलो और बताए यार, क्या हालचाल है दिल्ली का, क्या हालचाल है? हमारे जो युग पुरुष महोदय देखते हैं मफलर में तो आ ही गया है, गले में तो लग रहा है कि ठंडी जोर पकड़ ली है, लेकिन वो हर साल की तरह प्रदूषण वाला मामला नहीं चिल्ला रहे हैं आजकल, क्या बात है? यहाँ सबका खांस खांस के दम घुटा जा रहा है और इस माग की वजह से, और अब न्यूज में नहीं आ रहा है न हमारे युग पुरुष जी कभी बोल रहे हैं इस मुद्दे पे, क्या बात है यार आजकल सब सुन। अरे वो वाला जब बताया गुजरात चुनाव वाला जो आया था,
लिख के दे रहे थे हमारे युग पुरुष महोदय सर जी कि एकदम बिल्कुल मेरी सरकार आ रही है। अब पता चला कि 5 विधायक जीत पाए। मतलब इतना बड़ा झूठा प्रचार कहाँ से सीख लेते हैं यार, तो समझ नहीं आता। सही कह रहे हैं यार, ये सब चीज़ें तो लगता है कि जो अभी मितवा कहा है ना कि आजकल फेंकने की जो है प्रतिस्पर्धा चल रही है, जितना फेंक लो भले वो लपटाए या ना लपटाए, लेकिन उलझ भले जाए लेकिन फेंक लो जितना फेंकना है। वही है, वही हमारे सण जी भी करते हैं, हमारे युग पुरुष भी करते हैं, अब तो ये टी शर्ट वाले बाबा जी भी आ गए हैं, क्या करिएगा। चलो लेकिन सही कह रहे हो, अब दिल्ली का प्रदूषण लगता है कागजों में, चुनाव प्रचारों में और मीडिया से गायब हो गया है, लेकिन आम जीवन में भले ही लोग खांस खांस के मर जाएं, इसका कोई अब नहीं दिखाने वाला है, न कोई बोलने वाला है। क्योंकि जो सारी जो है दोष जो लोग मरते थे पंजाब और हरियाणा के किसानों पे, कि वो पराली जला रहे हैं, आ रहा है पराली जला, अब भी जल रहा है, बट ये है कि सरकार वहाँ बन गई ना, अब उनका बुराई कैसे कर सकते हैं। भले वो भी खांस खांस के मरे लेकिन अब नहीं बोल सकते हैं। और ये सब मिसगाइडेड मिसाइलें हैं और तरह छोड़ी जा रही हैं। देखो आगे क्या होता है, दिल्ली का क्या हाल होगा। जो कहावत नहीं है यार, बर्बाद गुलिस्ता करने को एक उल्लू काफी है, अंजाम में गुलिस्ता क्या होगा जब हर साथ पे उल्लू बैठा है। तो यार क्या किया जाए, चाय तो पी लिया गया। चलो यार ठंडी ज्यादा बढ़ रही है, अपना ख्याल रखो यार, ठंडी में ज्यादा इधर उधर टहलो मत करो, नहीं तो यार ठंडी ठंडी लग जाएगी। झूठ में खाली पीली जो है हॉस्पिटल जाना पड़ेगा, वो भी सारी दिक्कत हो जा रहा है। वो अपना मोहल्ला क्लिनिक में जाओगे तो दोनों तुम्हारे पिछवाड़े में मोट मोट सुई लगा देंगे, चलो उसमें दवाई रहे या न रहे पनियों भर के मार देगा अब से। आजकल तो जान ही रहे हो, इससे बढ़िया है कि बचाव करो और कोल्ड स्ट्रोक से बचो। खूब बढ़िया से कपड़ा थपड़ा पहन के रहो जब भी बाहर निकलो। और बाय दोस्तों, आगे से आप लोग कैसी बकैती सुनना चाहते हैं इसके बारे में जरूर बताइएगा। हाँ दोस्तों, हम लोग तो काफ़ी मेहनत करते हैं आप लोगों को अपनी बात पहुंचाने के लिए, अगर अच्छी लगती हो तो इस चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो को देखते रहें और अपना महत्वपूर्ण सुझाव हमें अवश्य देते रहें कमेंट करके। थैंक यू।